मेरा प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ छोटा सा। नहीं ठीक है मैं। अच्छा एक सत्संग है, ये बड़ा प्यारा सा सत्संग, मैं बड़ी जगह शेयर कर चुकी हूँ इसको। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, तो जो भी पेमेंट्स वगैरह आती हैं तो वो हम पहले मंदिर में रखते हैं और फिर हम उसको उसको यूज़ करते हैं, उसको ही हम लोगों को आदत है। तो मंडे को हम जनरली गुरु जी के मंदिर जाते हैं गुरु जी के दर्शन करने, और मैं जब भी गुरु जी के मंदिर जाती हूँ मैं पर्स नहीं लेके जाती, क्योंकि वो आगे प्रॉब्लम हो जाती है, पर्स अंदर ले जाने नहीं देते, तो मैं लेके नहीं जाती हूँ उसको। और अंदर जब जाते हैं तो वो जो गुल्लक एरिया है तो मेरे हस्बैंड हमेशा उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं, क्योंकि मेरे पास पर्स नहीं होता तो मैं उसमें कुछ नहीं डालती। बड़ा प्यारा क्यूट सा सत्संग है। तो नहीं, तो एक दिन हम इन एरिया आए तो उन्होंने पेमेंट रखी मंदिर में, ऐसे जगह पर लाखों में थी पर एक अच्छी थी जो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए अच्छा अमाउंट है, तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए कितना है पर एक अच्छा मतलब रिस्पेक्टेबल अमाउंट था। तो उन्होंने आके वो उसमें रख दिया मंदिर में, नेक्स्ट उससे भी कहीं से पेमेंट्स जाती हैं जो भी है। हम नेक्स्ट डे मंडे था, हम तैयार हुए मंदिर के लिए, मैंने पर्स ले लिया, पता नहीं किस में उसमें थी, मैंने उठा के वो पेमेंट और अपने बैग में डाल दिया। मेरे दिमाग में मैंने क्या कर रही हूँ, मैंने डाल दिया उसको। अब हम मंदिर पहुँच गए तो मुझे कहते हैं तुम पर्स लेके जा रही हो, मैंने कहा हाथ लाके बैग ले जाती हूँ। तो अंदर गए गुल्लक एरिया में तो ये मैं बहुत बड़ी शेयर कर चुकी हूँ दीपक जानते हैं, तो मैं पीछे पीछे थी, मैंने कहा गुरु जी ऐसे तो मैं कभी भी गुल्लक में आपके नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं कभी लाती नहीं, लेकिन क्योंकि आज मैं पर्स लाई हूँ तो मेरे पर्स में जो कुछ भी होगा ना आज मैं आपके गुल्लक में डाल दूंगी। अब मेरे को लगा मेरे पर्स में जनरली 200-250-300 से ज़्यादा तो नहीं होते हैं मेरे पास पैसे, ऐसे ही मैं पर्स में डालती हूँ, तो मैंने कहा जितने भी होंगे मैं आपके गुल्लक में डाल दूंगी। मैं आगे गई, मैंने जैसे ही खोला तो देखा वो पेमेंट शेमेंट पूरी रबड़ रबड़ वाली पड़ी हुई। अब मेरा तो दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो गया। अब मैंने कहा ये तो गुरु जी इम्तिहान ले रहे हैं और गुरु जी को तो मैं बोल भी चुकी हूँ कि मेरे पर्स में जो कुछ भी होगा मैं डाल दूंगी। मैंने क्या किया, वो पेमेंट उठाई और उसके अंदर डाल दी। पीछे मेरे हस्बैंड थे, अब उनको तो चढ़ गया गुस्सा, मुझे कहते हैं ये वो भी पेमेंट थी ना जो मैं तेरे मंदिर में रखी थी। मैंने बोला हाँ, तो तुमने उसको उसमें डाल दी। मैंने कहा तुम्हारा कोई दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा चुप गुरु जी को ले ली हो गई, कहते मुझे ऐसा भगोसले वगैरह पसंद नहीं है, वही मंदिर में शुरू हो गए और दौड़ रहे हैं, आस पास की पूरी संगत मेरे को देख रही है। मैंने कहा अच्छा अब तुम मंदिर में मेरे से लड़ो मत। कहते नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कोई तरीका नहीं होता, मेरे मुक्ति को पसंद नहीं है सब तुम्हारे ये वो अपना बोलते जा रहे हैं, मेरी भी लड़ाई होगी। मैंने बोला अच्छा तुम अच्छा दे दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसे लगा जैसे गुरु जी के अंदर से वाजे की एकदम चुप, वो तो जिप लगा लिया एकदम चुप। मैंने कहा गुरु जी आप मेरे को ही बोल रहे हो, आप इनको तो डांट नहीं रहे, ये मंदिर में मेरे को डांटते जा रहे हैं मतलब तो मेरे को बोलते जा रहे हैं, आप इनको नहीं बोल सकते। कहते अच्छा तो एकदम चुप, और भी चुप हो जाएगा ऐसे करके अंदर से कवास लिया। थोड़ी देर हम लड़ते फड़ते, मैं आगे आगे 10 कदम ये पीछे, बड़ा इनको गुस्सा। हमने वहाँ से जल प्रसाद लिया फिर चाय प्रसाद लिया करके हम बाहर निकले। तब मैं परवीन अंकल का, आजकल तो बाहर लगता है ना उनका, परवीन अंकल जहाँ से उनका जो एरिया है बाहर बनाया हुआ, तब परवीन अंकल वहीं होते थे। तो मैंने देखा परवीन अंकल नहीं थे, कब कब उनसे लॉकेट्स वगैरह ले लेते थे। मैं आगे चली गई, फिर उन्होंने पीछे से आवाज़ दी अंजू, मैंने बोला हाँ, और मैं फिर आगे थी, मैं वैसे ही गुस्से में थी, मैंने क्या हुआ। वो कहते परवीन अंकल आए हुए हैं तो लॉकेट्स के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बहुत आगे थी। मैं कहती मूवी, मैं जैसे ही जरा से आगे आई देखा परवीन अंकल मेरे हस्बैंड को बड़ा जबरदस्त डांट लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको ये वो करके। और मेरे हस्बैंड कही जा रहे हैं सॉरी अंकल मेरे ये मतलब नहीं था, जबकि ना बड़े राजपूत हैं और ऊँचो ऊँचो वाले जैसे डांट वाज भी खाते हैं और वो सॉरी सॉरी बोल रहे हैं। हुआ क्या क्या हुआ। मैं अंदर गई, मैंने बोला क्या हुआ परवीन अंकल। कहते अंजू अंकल आपके अंकल है। मैंने कहा हाँ, वो पहले मैं उनसे मिलती रहती थी। कहते हैं आके मेरे को बोल रहे कोई लॉकेट वॉकेट है, कोई लॉकेट शॉकेट है, और बात तो छोटी सी। कहते ऐसे बोल रहे थे गुरु जी के लॉकेट को, ये प्रसाद है पता। अब गुरु जी ने डांट तो पड़वा ली थी। मैंने कहा मान गए गुरु जी मान गए। इतनी पूरी और वहां जितनी संगत खड़ी थी वो भी सारे डांट रहे। कह रहे अंकल आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अभी सुनते सॉरी बोलते जा रहे। मतलब ये इतने प्यारे गुरु जी हैं हमारे, इतने स्वीट है। वो कह रहे थे मुझे चुप कर रहे, मैंने हमको कह थी अंकल आप इनको डांट नहीं लगा रहे, बिल्कुल बोलते जा रहे हो और बाहर ऐसी कस के, मतलब बात भी छोटी सी हम मुंह में बोल देते हैं लॉकेट वॉकेट है कोई, बताओ ऐसे बोल रहे ऐसी डांट।
तो ऐसे हमारे इतने प्यारे से गुरु जी हंसने बड़ी जगह ये सत्संग में शेयर करती हूँ। ऐसे गुरु जी की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। मेरे तो गुरु जी की कृपा है। मैं तो बोलती हूँ कि सुख दुख में गुरु जी के साथ जुड़कर मैं कभी भी इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी, मैं कभी इतनी रिलीजियस थी नहीं, अपनी दुनिया में रहती थी। लेकिन गुरु जी से जुड़ के ये जरूर सीखा है कि दुख भी है, हर आदमी की जिंदगी में दुख सुख चलता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ बड़ी प्यारी सी सीखी है कि दुख भी है और सुख भी है, तो गुरु जी आप हो तो सब ठीक हो जाएगा, अगर कोई परेशानी है तो आप हो तो बस ठीक है, तो हर चीज़ उन्हीं पर छोड़ा हुआ है।